आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? देखिए, हमारे यहाँ राज्य परियोजना कार्यालय से एक पत्र भी प्राप्त हुआ है और हमारे यहाँ जो डीसी ट्रेनिंग है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी जनपद में हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित हुए हैं उनकी संख्या 164 के आसपास है, जिसमें फतेहपुर विकास खंड में लगभग 32 और नगर क्षेत्र में 26 और अन्य में थोड़े थोड़े से बच्चे हैं। इनके लिए जो शासन विभाग ने निर्देश दिए हैं, पैसा भी धनराशि जारी हो गई है और जहां बच्चे जिस जिस आयु वर्ग के हैं उनको विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से, जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको दो वर्गों में बांटते हुए 7 से 8 आयु वर्ग और 8 से 10 आयु वर्ग में हिंदी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी को उनके आयु वर्ग के हिसाब से 2, 3, 4, 5 कक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण ही मास्टर ट्रेनर्स की भी व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए धनराशि भी आ गई है। 10 बच्चों से 10 या इससे अधिक बच्चे हैं तो 5,000 रुपये दिए देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक अगर हैं तो उनको रखे जाने का है। 5 या 5 से अधिक हैं उसमें भी सेवानिवृत्त अध्यापक, 5 से यदि कम हैं तो संबंधित विद्यालय के अध्यापक या शिक्षा मित्र, जिसमें 10 या 10 से अधिक में 5,000 रुपये, 5 या 5 से अधिक में 2,500 रुपये प्रतिमा और 5 से कम कोई भुगतान, जो हमारे शिक्षक होंगे उनके लिए कोई भुगतान की व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे हैं बच्चों के शिक्षण सामग्री के लिए 1,000 रुपये, प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनके लिए 400 रुपये, 200 रुपये प्रतिदिन की दर से, और इसी तरह हमारे यहाँ जो केंद्र चलेंगे 3 शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा उसके लिए विज्ञान, गणित और भाषा, अंग्रेजी और हिंदी के लिए, उसके लिए 1200 रुपये 3 दिन का, प्रतिदिन 400 रुपये निर्धारित है। इसका 6 माह का कोर्स चलेगा और 6 माह के कोर्स प्रशिक्षण देने के बाद इनको मेन स्ट्रीम में इन्हें लाना मुख्य उद्देश्य है।